नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस वर्ड के फॉन्ट मेन्यू के बारे में। आज हम इन सभी ऑप्शन का यूज़ सीखेंगे। बेसिकली हम लोग एक सीरीज़ तैयार कर रहे हैं जिसमें एमएस वर्ड के सभी ऑप्शन को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इसमें हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है फॉन्ट मेन्यू। पिछली वीडियो में मैंने क्लिप बोर्ड को कवर किया था और इस वीडियो में हम फॉन्ट मेन्यू को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं और पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए आपको प्रेस करना है इज इक्वल टू RANT रैंड लिखना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को ओपन करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और प्रेस करना है एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर 5 पैराग्राफ ओपन हो जाएंगे। बेसिकली इन पैराग्राफ का जो यूज़ किया जाता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, इसका यूज़ बेसिकली इन सभी ऑप्शन को समझने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह से हमने इन ऑप्शन को समझने के लिए यहाँ पर पैराग्राफ को इंसर्ट कर लिया है। अब इसके बाद सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा फॉन्ट में, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना। अगर आप किसी मैटर को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए करके मान लीजिए हमने पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया है, सेलेक्ट करने के बाद आप यहां से चाहें तो फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। देखिए डिफरेंट टाइप के आपके सामने स्टाइल्स हैं, इसमें से आप किसी भी स्टाइल को यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है साइज इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। आप यहां पर जो भी साइज रखना चाहें वो साइज यहां पर इजिली मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन है, इसका यूज भी आपका फॉन्ट साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे हमारा फॉन्ट इंक्रीज हो रहा है और यहां पर यही फॉन्ट हमारा डिक्रीज भी हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप कंट्रोल के साथ ब्रैकेट क्लोज से या ब्रैकेट ओपन का यूज़ करते हैं तो भी आप इसके फॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज अपने कीबोर्ड से कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन सभी ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो वो है चेंज केस। चेंज केस में सबसे पहला ऑप्शन आपको नज़र आएगा सेंटेंस केस। बेसिकली सेंटेंस केस का जो बेसिकली यूज़ किया जाता है वो यूज़ होता है कि इसमें पैराग्राफ का पहला वर्ड कैपिटल होता है और बाकी सारे के सारे वर्ड स्मॉल होते हैं। पहले से ही हमारा जो पैराग्राफ है वो सेंटेंस केस के अंदर है तो इसलिए ये इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रही है। दूसरा ऑप्शन हम लोग यूज़ करते हैं लोअर केस। लोअर केस का जैसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे इसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे स्मॉल हो गए, कोई भी कैपिटल वर्ड आपको इसके अंदर दिखाई नहीं देगा। और अगर आप सभी वर्ड्स को कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अपर केस। अपर केस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी वर्ड्स होंगे वो सभी आपके कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो देखेंगे आप कैप्सलाइज है। कैप्सलाइज ईच वर्ड का बेसिकली जो यूज़ होता है वो हर वर्ड का पहला वर्ड कैपिटल होता है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर वीडियो का वी, प्रोवाइड्स का पी और ए, पावरफुल का पी, ये सभी वर्ड्स हमारे कैपिटल हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा चेंज केस है वो है टुगल केस। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे पैराग्राफ के जितने भी वर्ड हैं वो सभी कैपिटल हैं, जो शुरुआत का पहला वर्ड है वो स्मॉल हो जाएगा और बाकी सभी वर्ड्स हमारे कैपिटल होंगे। तो मोस्टली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं सेंटेंस केस का, क्योंकि इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पैराग्राफ का पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए और बाकी सारे के सारे वर्ड्स हमारे स्मॉल होने चाहिए। तो इसलिए हम जो यूज़ करते हैं मोस्टली सेंटेंस केस का ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का जो बेसिकली यूज़ होता है, अगर मान लीजिए हमने इस पैराग्राफ का फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर दिया है, यहाँ से हम इसके फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर देते हैं, यहाँ से हम इसके साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं और यहाँ से आप जो भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना चाहें वो फॉर्मेटिंग हमने इसमें यूज़ कर ली है। और जैसे हम यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो जो भी फॉर्मेटिंग हमने इसके अंदर की थी एक्स्ट्रा वो सभी के सभी रिमूव हो जाएगी। जैसा हमारा ये मैटर शुरुआत में था बिल्कुल वैसा हमें ये नज़र आएगा। तो इस तरीके से आप क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई डेटा छेड़ दिया, किसी वर्ड को बड़ा, छोटा, कैपिटल, स्मॉल या बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर दिया है तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग की मदद से जितने भी आपने फॉर्मेटिंग की है वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग एक बार में क्लियर कर सकते हैं। तो ये यूज़ है हमारे क्लियर फॉर्मेटिंग का। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर बोल्ड का। बोल्ड का मतलब आप किसी लाइन को, किसी वर्ड को सिलेक्ट करके आप बोल्ड कर सकते हैं, यानी उसको हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद आपको दिखाई देगा इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है आप किसी वर्ड को इटैलिक कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा तिरछा कर सकते हैं। ये देखिए हमारा जो ये लाइन थी वो इटैलिक में हो गई, यानी हल्की सी तिरछी हो गई है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा अंडरलाइंस का। आप किसी वर्ड को सिलेक्ट करके, किसी पैराग्राफ लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसे अंडरलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे इसके नीचे अंडरलाइन आ गई और अंडरलाइंस के अंदर भी आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के अंडरलाइंस है। इसमें कोई भी अंडरलाइंस आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी डबल या सिंगल या फिर डॉट्स का यहाँ पर आप कोई भी अंडरलाइन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा स्ट्राइक का।
स्ट्राइक का मतलब होता है, मान लीजिए हम ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हमने ये वाली लाइन जो लिखी है वो गलत लिखी हुई है, तो आप यहाँ पे उसे स्ट्राइक लगा सकते हैं। स्ट्राइक लगाने से आपको दिखाई देगा कि इसके लाइन के ऊपर एक लाइन खिंच जाएगी, जिससे ये पता चलेगा कि ये लाइन हमारी गलत है। तो आप इस तरीके से स्ट्राइक दे सकते हैं, या अगर आपका डुप्लीकेट वर्ड हो गया है तो उसको भी स्ट्राइक के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा सबस्क्रिप्ट एंड दूसरा ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट। अब ये सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं CO2, और CO2 लिखने के बाद इसके फॉन्ट को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद यहाँ पर हम 2 को सिलेक्ट करते हैं और यूज़ करेंगे सुपरस्क्रिप्ट। तो आप देखेंगे हमारा जो 2 का स्क्वायर था वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, और अगर हम यूज़ करेंगे सबस्क्रिप्ट तो हमारा 2 का स्क्वायर जो था वो नीचे की तरफ यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं, स्क्वायर दे सकते हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। इसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन। यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट्स हैं, इसमें किसी भी फॉर्मेट में आप इसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे इसकी आउटलाइन का कलर आप चेंज करना चाहें, इसके पीछे शेडो का आप डिज़ाइन चेंज करना चाहें, आप यहाँ पर रिफ्लेक्शन देना चाहें किसी भी फॉन्ट का, या फिर ग्लोइंग देना चाहें, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। इन सभी का यूज़ करके आप अपने फॉन्ट को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको नज़र आएगा फॉन्ट कलर चेंज करने का, यानी फॉन्ट हाईलाइट करने का। जैसे मान लीजिए हमने इस लाइन को सिलेक्ट किया, और यहाँ से लाइन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने कोई कलर यहाँ पर फिल कर दिया। अब आप देखेंगे हमारी ये जो लाइन थी वो हाईलाइट होकर के यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी, और अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो इसको वापस से सिलेक्ट करना होगा यहाँ पर, और वापस से उसी ऑप्शन पर जा करके यहाँ पर आपको दिखाई देगा नो कलर, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड में कलर था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहें तो किसी फॉन्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इसका कलर रेड कर दिया। इसी तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर कलर्स हैं, आप कोई भी कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दिखाई देगा यहाँ पर मोर कलर्स का, इस पर अगर आप क्लिक करके आप यहाँ पर कस्टम कलर में जा करके कोई भी कलर एक्स्ट्रा बनाना चाहें तो आप यहाँ पर बना भी सकते हैं, वही कलर आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सभी ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।